कृपया आज जब आपने कॉलेक्ट सुनी होगी पर सामने जब पढ़ी तो उसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन को सेलिब्रेट किया जा रहा और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला चारों ही जिलों के बीच में हम उसके बारे में पढ़ते हैं और एक जो है बड़े प्रभावशाली ढंग से उसकी सेवा आरंभ होती है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नए नियम का पहला नबी है या मलाकी के बाद का वो एक ऐसा नबी है जिसके बीच में 400 साल का एक मौन युग है, कल युग है, जिसके बाद यूहन्ना जो है आते हैं और प्रभु की सेवकाई करते हैं। और यूहन्ना एकदम से जो है नहीं आए, इसकी भविष्यवाणी यूहन्ना के पैदा होने से पहले 600 साल पहले ये शायद की जो 40वें अध्याय की शायद में हमने पढ़ी कि जंगल में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु के लिए मार्ग सीधा करो, उसके लिए रास्ता तैयार करो। तो ये एक परमेश्वर की योजना थी, प्रभु हर एक की व्यक्ति की जिंदगी में एक योजना रखते, एक प्लानिंग है और प्रभु की प्लानिंग हमेशा एक सिद्ध प्लानिंग होती है और प्रभु जो है उस प्लानिंग के द्वारा लोगों की भलाई और अपने नाम की महिमा को उत्पन्न करते हैं। जब यूहन्ना की बात करते हैं तो यूहन्ना ये नहीं कि जैसे हम मत्ती की इंजील पढ़ते हैं या लूका या मरकुस इन इंजीलों को चारों को पढ़ते हैं तो एकदम से एक कैरेक्टर आ जाता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें परमेश्वर की प्री प्लानिंग, परमेश्वर की फुल योजना के बारे में हम पढ़ते हैं। एक इस तरीके से परमेश्वर ने पहले से ये है यूहन्ना के बारे में कि वो एलिया की आत्मा में है। यूहन्ना एलिया की आत्मा में है, आत्मिक अभिषेक जो है उसके ऊपर एलिया वाला है और उसी सामर्थ्य में होकर के वो काम करने वाला भी। बहुत सारी अगर आप एलिया के जीवन के बारे में कभी पढ़ा है, यूहन्ना के बारे में पढ़ा है तो उसके करैक्टर, उसके स्वभाव की बहुत सारी बातें जो है मिलती हैं। यूहन्ना भी और एलिया भी एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, न्याय के लिए खड़े होते थे और यहाँ यूहन्ना को भी आप देखेंगे उसके जीवन में जो आज वचन पढ़ा गया और दूसरे सुसमाचारों में जब हम पढ़ते हैं तो उसके जिंदगी में, उसके स्वभाव में, उसके बातों में हम देखते हैं कि एकदम सीधा बिना किसी भय के, बिना किसी पक्षपात के वो परमेश्वर का पक्ष रखने वाले थे। तो सबसे पहली ये परमेश्वर की योजना है, यूहन्ना का पैदा होना, यूहन्ना का स्मृति पर आना एक बहुत ही अद्भुत योजना। और आप देखेंगे लूका की जीत में उसमें जब पढ़ेंगे तो यकरिया जो यूहन्ना का पिता है, रिस्वत जो उसकी माता है, जकरिया जो है एक ले पर्सन था, ले लीडर था, जैसे हमारे इब्री भाई आइजिक और मार्शल और मोनिका और ये इस तरीके से उनकी टर्म आती थी, बारी आती थी और अपनी बारी में जो है ऑल्टर पर सर्व करने वाले थे। He was not a regular prophet. वो एक जो है ऐसा याजक नहीं था जो एक रेगुलर था, बल्कि उसकी वो एक इस तरीके से जो एक असिस्ट करने वाला याजक था और जिस समय उसकी बारी आती है वो प्रभु के घर में प्रार्थना करने के लिए, प्रभु की वेदी पर प्रार्थना करने के लिए गया और वहां से वो वापस नहीं आया क्योंकि वचन में लिखा है जब वो प्रार्थना में था तो प्रभु का दूत उसके सामने आया तो वो बेसुद्ध हो गया। प्रभु ने उससे बातें की, जबराइल फरिश्ता उससे बातें कर रहा है और जबराइल फरिश्ता ने उससे कहा कि तेरे पुत्र होगा तू और एलिजाबेथ जो है एक बेटा उत्पन्न करेगी, उसका नाम यूहन्ना रखना। और वो आश्चर्यचकित होता है अपनी शारीरिक स्थिति को देख करके, वो बिलीव नहीं करता है कि कैसे संभव हो सकता है। और जिस तरीके का जबराइल फरिश्ते के साथ उसका आर्गुमेंट होता है उस व्यक्ति के ऊपर, जबराइल ने देख मैं वो व्यक्ति हूँ जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है और मैं वही बात कहता हूँ जो परमेश्वर मुझे कहता है, मैं अपनी तरफ से कभी कुछ नहीं कहता। और ये परमेश्वर के एक मैसेंजर की एक ये भी खूबी है कि जो परमेश्वर कहता है वो लोगों तक जो है लेके आना, लोगों को वो सच्चाई बताना जो परमेश्वर ने कही, परमेश्वर की बात लोगों को कहना। और आगे उसने उसको चिन्ह दिया और चिन्ह बड़ा अद्भुत था, चिन्ह बड़ा अद्भुत था कि जब तक यूहन्ना पैदा नहीं होगा तू बोल नहीं सकेगा।
और ये बहुत अजीब सी बात है, आपको है जब जकरिया बाहर आ रहे हैं और बोल नहीं पा रहे तो लोगों को पता लग गया कि परमेश्वर ने पहले चीज उससे बात की है। और आप लोगों के तरह तरह के प्लान सोच है, लोग तरह तरह की अपनी बातें रखते हैं। जब हमारे साथ भी कुछ ऐसी बातें होती है ना तो नेगेटिव पॉजिटिव बातें चलती रहती हैं, इसके ऊपर श्राप आ गया, इसका कोई बाप था, इसकी कोई कमी थी, वगैरह वगैरह। हमारी बीमारियों में बहुत बार लोग जो है ऐसा सोचते हैं, हमारी हानि नुकसान में बहुत बार ऐसा सोचते हैं। लेकिन प्रभु यीशु से बड़ा क्लियर बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि यूहन्ना 9 में और यूहन्ना 11 में हम पढ़ते हैं कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर के कामों को प्रकट करने के लिए। और समय आता है जब एलिजाबेथ के द्वारा यूहन्ना का जन्म होता है, और यूहन्ना की माता एलिजाबेथ से जब पूछा जाता है इसका नाम क्या रखना है, नामकरण का जब दिन आता है तो वो बताते हैं इसका नाम यूहन्ना रखना है। और जितने भी लोग थे उस व्यवस्था के अनुसार सारे आश्चर्यचकित होते हैं, हैरान हो जाते हैं, तुम्हारे परिवार में तो इस तरीके का नाम ही नहीं है, क्योंकि जो नाम रखा जाता है परिवार के साथ एक लाइनेज चलती है, उस नाम के साथ नाम रखा जाता है। जैसे जो अगर जकरिया जो जकरिया उसके साथ मिलता हुआ दूसरा जकरिया या इस तरीके के जैकटू वगैरह ऐसे नाम होना चाहिए था, लेकिन नाम यूहन्ना आया और बड़े हैरान हुए। इशारा क्या किया उससे पूछो, उसने एक जो है क्लिपबोर्ड या एक तख्ती एक स्लेट मंगाई, उसके ऊपर जब या हु लिखा इतना ऐसा लिखा तो उसकी जो बात खुल गई, बस उसने परमेश्वर की उस योजना के बारे में बताया किस प्रकार से जब्राइल फरिश्ते ने उसको दर्शन दिया और ये बातें सब। तो ये परमेश्वर की एक योजना थी, एक दिन की दिन एक दिन में योजना नहीं बनी, 600 साल पहले से परमेश्वर ने ये योजना बनाई थी। अमलाकी का आखिरी अध्याय पढ़ेंगे चौथा अध्याय, तो उसमें लिखा है एलिया के बारे में कि इससे पहले तो भयानक भयंकर दिन आए, मैं एलिया को भेजूं जो माँ बाप का दिल बच्चों की तरफ और बच्चों का दिल माँ बाप की तरफ मोड़े। उसकी डबल जिम्मेवारी है, माँ बाप का बच्चों का दिल माँ बाप की तरफ, माँ बाप का दिल बच्चों की तरफ, मैंने दोनों को जो है उनकी कमियों को उनकी कमजोरियों को तमाम चीजों को रेस्टोर करने के लिए तमाम चीजों को बहाल करने के लिए एलिया आएगा। और वचन में लिखा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कि एलिया जो आना था वो यही था। और पहली चीज परमेश्वर की योजना में वो आया, काम क्या था, प्रभु के लिए रास्ता तैयार करना। यशाया ने इस चीज को बोला और वो एक बड़ी जो है ज्योग्राफिकल चीज है, जब जंगल व्यापार तमाम चीजें थी और रोमी शासन जब आया तो उन्होंने सारे रास्ते तैयार किए। रोमियों की एक बड़ी उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी देन है संसार को, उन्होंने रोड सुनाई और जब वो रोड बनी उनके द्वारा उन रोड पे चलते हुए प्रभु का वचन पूरे विश्व में फैलाया जा सका। तो यहाँ यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के लिए रास्ता क्या, यूहन्ना भी जब आता है मत्ती की झील में पहले तीसरा अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं कि जब यूहन्ना आता क्या कहता है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार। तो परमेश्वर की योजना में परमेश्वर की एक प्लानिंग थी, उस प्लानिंग में यूहन्ना आया। और जब यूहन्ना बात करता था उसको एक बहुत बड़ा क्या बोलते जन समर्थन मिला, एक भीड़ की भीड़ उसको और आकर्षित उमड़ पड़ी। वचन में कहा यर्दन आसपास के इलाकों से लोग यर्दन नदी पर आकर, गलील और आसपास के इलाकों से लोग यर्दन नदी पर आकर के उससे बपतिस्मा ले लिया। यूहन्ना 30 जो मत्ती का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें ये सेवकाई के बारे में पढ़ती है। यूहन्ना मत्ती तीसरा अध्याय बहुत बड़ा एक जनसमूह, एक बहुत बड़ी भीड़ आसपास के इलाकों से उसके पास आती है। और उस कामयाबी का मतलब एक ये है कि लोगों ने 400 साल परमेश्वर की वाणी नहीं सुनी, लोग परमेश्वर के मालिक को नहीं जानते, इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है यूहन्ना के पास आ रहे। और दूसरा यूहन्ना जंगल में पुकार रहा, वो समाज में नहीं है, उसके कपड़े क्या है, ऊंट की बाल की वो है, उसकी खाल की बेल्ट है और खाना क्या है, शहद और वन बर्गेट, जो गरीब से गरीब व्यक्ति खाता है इस प्रकार से उसका खाना उसका भोजन था।
वो समाज से एकदम से आइसोलेटेड, एकदम से बाहर था, और लोग उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए यहाँ आते हैं। और जब लोग आए, वचन में लिखा है कि उसने लोगों को अपनी ओर जब देखा आ रहे हैं, तो उनको क्या कहना, हे सांप के बच्चों, किसने तुम्हें जता दिया है कि आने वाले प्रकोप से भागो। और यहाँ जो यूहन्ना किसी का चेहरा देख के बात नहीं करता, किसी का मुंह, किसकी जो है फैमिली बैकग्राउंड देख करके, किसी को कोई कुलीन है, कोई निम्न स्तर का है, कैसा है, कोई मध्यम स्तर का है, ऐसा देख कर को बात नहीं करते। जो सच्चाई है, सच्चाई को सच्चाई के सामने लेके आ। यूहन्ना का मत्ती का 14वां अध्याय जो हमने पढ़ा है, इसमें हम पढ़ते हैं, बड़ी मोटी सी बात है कि यूहन्ना का यहाँ कत्ल होता है, वो जेल में है, और हेरोदेस का जन्मदिन आता है, हेरोदियास की जो बेटी है, हेरोदेस की नहीं, हेरोदियास की जो बेटी है उसने डांस किया। हेरोदेस राजा जो है, जो हेरोदेस महान का बेटा था, वो खुश हुआ और खुश होकर के उसको जो है मुंह मांगा इनाम देने की बात। यहाँ कई बार हम जो है हमारे बीच में एक बात आती है कि हेरोदेस की बेटी अपने बाप के सामने नाचे, और ध्यान दें उसमें लिखा हेरोदियास की बेटी, वो जो औरत है उसकी बेटी है, क्योंकि वो उसकी अपनी औरत नहीं, उसके भाई की बेटी थी, उसके भाई की वाइफ थी, उसको उसने किडनैप किया था, किडनैप करके अपनी वाइफ बना लिया था, जोर जबरदस्ती करके उसको अपनी वाइफ बनाया होता। और यूहन्ना क्या करता था, जब भी उसके पास जाता था उन दोनों को एक ही बात कहता था कि इस महिला को एक पत्नी के तौर पर रखना तेरे लिए चाहिए। और वचन में हम पढ़ते हैं कि वो दोनों उससे डरते थे, दोनों उससे जो है बहुत भयभीत थे, क्योंकि उसने साफ स्पष्ट रीति से उनको एक बार नहीं अनेक बार ये बात कही थी, उसका रखना, तुम्हारा जो है फैमिली, जो आपका तुम्हारा मैरिटल रिलेशन है वो सही नहीं है, छोड़ दो उसको, उसके घर जाने दो। और इस कुंदन में आकर के हेरोदेस ने उसको छेद में डाला, वो सच्चाई पर था, सच्चाई पर बना रहा, सच्चाई की बात करता रहा, और उसके लिए उसको अपनी जान भी गुवाई, वो कभी मुंह मुद्दे की बात नहीं करता। राजा है तो उसको भी उसकी कमी बताई, आम जन साधारण लोग हैं तो उनके भी उनकी बात कराई। ये जो भीड़ आ रही है जिनको हेरोदेस कहता है सांप के बच्चों, किसने तुम्हें जता दिया है कि जो है मन फिराओ और तौबा के लायक मन फिराओ, ये वो लोग हैं। जब उस वचन में लिखा कि यूहन्ना पानी का बपतिस्मा देने के लिए आए, अभी बैप्टिज्म जो वर्ड है ये पहली बार एक तरीके से इंट्रोड्यूस हो रहा है इन यहूदियों के बीच में। यहूदियों में बैप्टिज्म नहीं होता था, बैप्टिज्म उसको दिया जाता था जो अन्य जातियों से यहूदी बनते थे, यहूदी मत को ग्रहण करते थे, उनको बैप्टिज्म दिया जाता। बैप्टिज्म मतलब डिप करना, डुबो देना, स्नान करना, पूरी की पूरी एकदम शुद्धिकरण जैसा स्नान करना। और जो प्रोसेलाइट जिनको बोलते हैं, जो अन्य जाति थे, जो दूसरी जाति जैसे सामरी है और लोग हैं, इस तरीके के लोग जब यहूदी मत को ग्रहण करते थे, और उनका एक पूरा शुद्धिकरण का, पूरी उनकी प्योरिफिकेशन की एक सर्विस होती थी, और उनको जो बैप्टिज्म दिया जाता। अब ये जो यहूदी है ये इस अहम में है कि हमें बपतिस्मा की तो कोई जरूरत ही नहीं। आज उन्होंने यूहन्ना का परमेश्वर के वचन का तिरस्कार किया, लेकिन उसके बीच में कुछ लोग जो है बपतिस्मा भी लेके आए, परमेश्वर की सच्चाई को, परमेश्वर के हुक्म का डिसोबे किया, उसकी आज्ञा को ना माना, परंतु यहाँ बपतिस्मा लेने के लिए आया। और परमेश्वर यूहन्ना ने उसको उनको जब आते हुए देखा, उन लोगों को कह रहा है जो दोगले थे, उन लोगों को कह रहा था जो परमेश्वर की बात को तो मान नहीं रहे थे, दखापटीपन के लिए बैप्टिज्म के लिए देखे, हे सांप के बच्चों, किसने तुम्हें ये बता दिया, किसने तुम्हें ये रियलाइज किया है कि तुम भी यहाँ हो, क्योंकि तुम्हारे मन में तो कपट है, तुम्हारे मन में जो है शुद्धता नहीं है, तुम्हारे मन में तो दो दो विचार है, दो धाराएं चल रही, दो तरीके की विचारधाराएं चल रही, तो परमेश्वर को तो आदत दे नहीं रहे, या दुनिया को दिखाने के लिए तुम बैप्टिज्म लेने के लिए आए। तो उन लोगों को उनके, अभी देखिए आज की डेट में मेरे जैसे बंदे के पास कोई आए, हमने बैप्टिज्म देना है, तो हम बड़ी खुशी के साथ बैप्टिज्म देते हैं,
हम वीडियो बनाते हैं, हम फोटो खींचते हैं, हम दुनिया को दिखाते हैं, अपने विश्व को दिखाते हैं और लोगों को हम तरह दिखाते हैं, हमने आत्मा जीती, हमने नए लोगों को बपतिस्मा दिया, हमारे चर्च में इमर्शन बपतिस्मा हुआ, हम बड़ी जो है फकर के साथ इन चीजों को दुनिया को बताते हैं। लेकिन यूहन्ना के पास लोग आ रहे हैं और यूहन्ना उनका खंडन करता है और जब बोलता है तुम सांप के बच्चों की बात करता है तो दोगली भाषा बोलने वाले सांप की आप जानते हैं दो जुबान होती है ना, इंद्र वालों के साथ भी बात करते हैं इधर वालों की है ना, कहते क्या बोलते हैं ना, चोर को बोलता कर ले और इधर उसको भी अलर्ट कर दे, दोनों चीजें, और इस तरीके से डबल लैंग्वेज डबल स्टैंडर्ड वाले लोगों को अपने ओर आते हुए बैप्टिज्म लेने के लिए अपने पास आते हुए देखने का ये सांप के बच्चे किसने तुम्हें जिता दिया, ये एक बात है। दूसरी चीज है जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं उसके पहले अध्याय में उसमें लिखा एक मनुष्य जिसका नाम यूहन्ना था आप उपस्थित हुआ, वो ज्योति की गवाही देने के लिए आया, ताकि वो इसलिए आया कि वो ज्योति की गवाही दे, वो वचन में लिखा वो खुद तो ज्योति नहीं था परंतु वो ज्योति की गवाही देने के लिए, जब वो सेवकाई में था तो लोगों ने आकर के उसको पूछा तो उसने बड़े सीधे से स्वीकार किया कि मैं वो नहीं, वो मेरे बाद आएगा, वो मेरे बाद आने वाला है, परंतु जब वो आएगा तो मैं इस योग भी नहीं हूं कि मैं उसके पांव की जूती को उठा सकूं, एक बंधन को भी, एक जो उसके जूते के फीते को भी खोल सकूं, और ये जो जूते खोलना, जूते को उतारना रखना, ये एक बहुत निम्न स्तर का जो सेवक है घर में उसका काम होता था, जो घर के बिल्कुल बाहर होता था, और जब गेस्ट लोग आते थे उसका काम यही होता जूतों को उतारना और जो जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं उनके पांव को धो करके उनको अंदर भेजना। और यूहन्ना क्या कह रहे हैं, मैं तो उसके भी लायक नहीं, तो मैं उससे भी निम्न स्तर का। तो यहाँ यूहन्ना की जिंदगी में हम देखते हैं यहाँ वो स्टेट फॉरवर्ड था, यहाँ वो प्रभु की बात को बड़े सीधे स्पष्ट से बिना किसी का पक्षपात किए हुए बोलते थे, यहाँ वो एक निम्न एक नम्र एक जो है हम्बल व्यक्तित्व है उसका, एक ऐसा जो बहुत ही नम्र है, बहुत ही अपने आप को हलीम किया हुआ। और फिर अगली बात हम देखते हैं कि वो कभी भी अपनी बात नहीं करता, उसकी जिंदगी का लक्ष्य था कि मेरी जिंदगी में प्रभु बढ़े, बहुत बार जो है हम बातें करते हैं कि मेरी जिंदगी में प्रभु बढ़े, लेकिन जो हमारे एक्शन होते हैं वो हम प्रभु को कभी भी आगे नहीं जाने देते, बोलते कुछ और है, दिखाई काम कुछ और कहते हैं, जैसे कहते हैं ना योर वर्क स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स, जो आपके जो काम है उनकी जो जो उनकी जो आवाज है वो आपके शब्दों से कहीं ऊंची होती है, योर वर्ड्स स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स, बहुत बार हम बातों में गवाही में गीतों में हम बहुत अपने आप को दिखाते हैं, बड़े नम्र बड़े पाक साफ बड़े अच्छे लोग बताते हैं, लेकिन जब हम काम करते हैं तो हमारी असलियत हमारी वास्तविकता लोगों के सामने आ जाती है, बहुत तरीके से जब हम बोलते हैं, जब हम बिहेव करते हैं, जब किसी के साथ इंटरेक्शन होता है, जब हम किसी खास जगह पर जाते हैं, जब कोई खास मौके हमें मिलते हैं, उन तमाम समय में हम बड़ा अपने आप को पाक साफ बड़ा ईमानदार बड़ा नम्र बड़ा दीन दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम अपनी वास्तविकता में जाते हैं तो तब पता चलता हमारी असली जिंदगी क्या है। और इसके लिए एक एक पास्टर थे, उनका नाम जोनाथन अंसारी करके था, पता नहीं अभी है या नहीं है, उनका यह था कि जब किसी की सच्चाई को जानना कितना कोई ईमानदार है, कितना कोई वफादार है, कितना कोई प्रेमी है, उसके एक्शन को मत देखो, उसके रिएक्शन को देखो, रिएक्शन उसके अंदर से क्या निकलता। और जब हम किसी को सलाम बोलते हैं वो हाथ जोड़ के सलाम करेंगे, हम हाथ जोड़ेंगे तो अगला आपको गले लगा लेगा, आप गले लगाओगे तो आपको किस भी करेगा, अगर आप उसको आगे उसके जो है घुटनों को हाथ लगाओगे तो आपको साष्टांग प्रणाम करेगा। लेकिन एक बार किसी भी कारण से आपने उसकी शान के खिलाफ एक शब्द भी बोल दिया
तो फिर उसकी असलियत आपके सामने आती है। फिर वास्तविक लाइफ क्या है, वास्तविक करैक्टर क्या है, वो अपने आप के सामने आ जाता है। और फिर जगह जगह हर जगह मुंह से, उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से, उसके कामों से, उसकी बॉडी से, उसके हर रिएक्शन से पता लगता कि बंदे में किस चीज का असर है। क्या वो वास्तविक तरीके से वो विश्वासी है, क्या वो वास्तविक तरीके से प्रभु के वचन में है, क्या वो वास्तविक तरीके से वो एक नम्र व्यक्ति है, क्या खुदा प्रस्त है, क्या वो अपने में जी रहा है, अपनी ईगो उसने अपने रखी हुई है। यूहन्ना क्या कहता है, वो बड़े मैं घट। एक गीत भी गाते हैं ना, प्रभु को महिमा मिले चाहे वो मेरा अपमान, है ना। प्रभु को महिमा मिले चाहे मेरा अपमान भी हो, जब महिमा प्रभु को मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, मोस्टली मैंने जो देखा है, ये गीतों का विषय, ये गीतों तक सीमित है। जब वास्तविक जिंदगी में मुझे करना पड़ता ना, तो फिर कहते हैं नहीं, प्रभु को महिमा मिले या नहीं मिले, मेरा अपमान नहीं होना चाहिए। प्रभु को महिमा मिले ना नहीं, लेकिन मैं जो है मैं होना चाहता हूँ। यहाँ मेरी और आपकी, हमारी वास्तविकता, एक रियल बिलीविंग पर्सनैलिटी हमारी सामने आती है। जब कोई मुझे टेढ़ी आंख से देखता है, जब कोई मुझे इग्नोर करता है, जब मेरे बारे में कोई बोला जाता है, तो मैं कैसा रिएक्ट करता हूँ, कैसे हमारा जो है जो रिस्पॉन्स होता है, किस तरीके से हम जो है ये चाहते हैं। ये है मेरी और आपकी वास्तविकता। ये एक बहुत बड़ी असलियत है जो हम यूहन्ना में देखते हैं। यूहन्ना कहता है, यूहन्ना को बहुत जगह पर मौका था, एक भीड़ की भीड़ उसके पास आ रही थी, भीड़ उसको मान रही थी, भीड़ जो है उसके सुनने के लिए आ रही थी, क्योंकि मलाकी के बाद ये पहला नबी था। 400 साल के बाद, एक कलयुग बीतने के बाद आप लोगों को आशा की किरण दिखाई देती है यूहन्ना के उसमें। और वो पास आ रहे, भागे आ रहे, बैप्टिज्म ले लिया, हर प्रकार से जो कह रहा है सुनते हैं, मानते हैं, डरते हैं उससे, उसका उसके सामने। और वचन में लिखा उसको बहुत सारे मौके, जब लोग उससे पूछते तो एक ही बात कहते, मैं वो नहीं, वो मेरे पास आने वाला है। और मेरी अभी आशा क्या है कि वो बढ़े और मैं, वो बढ़ता जाए और मैं कम होता। ये इस तरीके का गीतों के द्वारा, बोलने के द्वारा, प्रचार करने के द्वारा नहीं, ये मेरे को आपको इसको दिखाना। ये जो एरिया था, ये जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, मुझे और आपको एक नम्र जीवन व्यतीत करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी शिक्षा आरंभ की, मत्ती उसके पांचवें अध्याय में वचन में लिखा है, पहले वचन में लिखा है कि उसने भीड़ को देखा, पहाड़ पर बैठ गया। तो जब सबसे पहली शिक्षा दी, मत्ती 5 उसके तीसरे वचन में क्या कहा, धन्य है वे जो मन के दीनता। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह की जो है दीनता के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह ने खुद भी कहा, हे बोझ के थके हुए मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं दीन हूं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो क्योंकि ये बोझ हल्का है, मुझसे सीखो। तो यूहन्ना सिखा रहा है, प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह खुद बता रहे हैं, धन्य है वे जो मन के दीन। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए, जो परमेश्वर की एक प्लानिंग के अनुसार अद्भुत रीति से इस दुनिया में आए, जिन्होंने प्रभु के लिए रास्ता तैयार किया, प्रभु के लिए जो उन्होंने जो आने वाले समय के लिए बताया, क्या कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, वो तुम्हें आत्मा और आंख से। अभी ये जो आत्मा है, इसको जोए कहते हैं, जोए, जोए मतलब जीवन। और ये लिया गया है जब आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से तैयार किया, उसका पुतला तैयार किया, तो उसमें लिखा है कि आदम उस समय मिट्टी का पुतला था और परमेश्वर ने उसमें जीवन के श्वास लिए और वो जीवन प्राणी। ये वो शब्द है जो आदम के बीच में डाला, जोए, ग्रीक भाषा के शब्द, जोए, वो उसमें जिंदगी के श्वास
सकते। और जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहता है वो यही कहता है कि वो तुम्हें आत्मा और आग से। अभी देखो जब हम आत्मा की बात करते हैं या आग की बात करते हैं तो आग प्योरीफाई करता है, कई तरीके से आग जो परखने का काम करता है, है ना। आप देखिए एक बहुत बड़ी चीज हमारे पास होती है सोना, और सोना को कैसे ताया जाता है, किस प्रकार से प्योरीफाई किया जाता है आप सब जानते हैं। जितना वो आग में चलता है उतना वो शुद्ध होता है। और यही चीज जो है वो कहता है कि वो तुम्हें आत्मा से, वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है। और अपने लिए जितना मेरी अभिलाषा ये है कि वो बढ़े और मैं कम हो जाऊं। आई हमारे महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हुए आपके समक्ष आते हैं, आपका शुक्र करते हैं तेरे दासों के लिए जिनको आपने युग युग में नियुक्त किया, और हमारी शिक्षा के लिए, हमारी अगुवाही के लिए उनको पृथ्वी पर भेजा, कि उनकी सेवा उनके कामों के द्वारा हम प्रभु शिक्षा पाए, आपकी वाणी को सुने, आपकी मर्जी के अनुसार चले और अपनी जिंदगी से कामों से आपकी महिमा आपकी स्तुति करने वाले बने। इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह के प्रेम में। आमीन।